स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है हमारा वैदिक एज यानी वैदिक काल से संबंधित है। वैदिक काल जैसे कि इसकी जो समय काल माना जाता है वो 1500 से 600 BC के बीच में माना जाता है। तो आज के लेक्चर में हम वैदिक संस्कृति या वैदिक काल को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जैसे कि वैदिक एज, वैदिक काल, तो वैदिक जो शब्द है, वैदिक शब्द जो है ये हमारा जो आया है ये वेदों से आया है। तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि वैदिक काल वो काल है जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। अब वेदों की संख्या चार है यानी 4 वेदास हमारे हमें मिलते हैं। ये वेदास जो हैं जिन्हें हम 4 वेद कहते हैं, ये इतिहास के काफ़ी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आते हैं। तो 4 वेद जो हैं, जैसे ऋग्वेद आता है, पहला वेद सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, दूसरा वेद आएगा यजुर्वेद, तीसरा आएगा सामवेद और चौथा आएगा अथर्ववेद। यानी वेदों के द्वारा, 4 वेदों के द्वारा दी गई जानकारी जिससे हमें वैदिक काल की जानकारी या वैदिक संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो 4 वेद हैं हमारे पास, 4 वेदास हैं। पहला आता है ऋग्वेद, ऋग्वेदास कह देते हैं, फिर आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद कहते हैं, फिर आता है सामवेद 3rd वेद में, और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, तो 4 वेदों के द्वारा जो जानकारी दी गई उसकी हमें वैदिक काल की या वैदिक संस्कृति की जानकारी इनसे मिलती है। वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1500 से 600 BC के बीच में माना जाता है। अब ये जो काल है यानी 1500 से 600 BC का काल जो है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तीनों के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करनी होगी क्योंकि ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कृति थी। तो पहला समय काल आएगा इसमें 1500 से लेकर 1000 BC यानी 1500 टू 1000 BC। सेकंड एज आएगी इसमें 1000 BC टू 600 BC, और थर्ड जो है इसमें 600 से लेटर ऑन यानी 600 BC के बाद का काल। तो 3 फेज बनेंगे इसमें। फर्स्ट फेज में हम 1500 से 1000 BC का काल कवर करेंगे, दूसरे काल में 1000 से 600 BC का काल कवर करेंगे हम, और तीसरे फेज में हम 600 और उसके बाद। अब याद रखने वाली बात है कि 600 BC और बाद को हम महाजनपद काल भी कहते हैं, यानी इसको एक और नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें लगभग एक जैसी बात है, जो काल महाजनपद में कवर होगा वही 600 BC के बाद का वैदिक काल का बाद का काल आएगा। तो महाजनपद एज हो गया या 600 BC के बाद का काल, ये दोनों जो हैं एक समय काल में आते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें 2 काल इम्पॉर्टेंट हैं, जो पहले वाला फेज़ है वो 1500 से 1000 का, और दूसरा फेज 1000 से 600 BC का, और तीसरे काल में ये महाजनपद के साथ मिक्स हो जाता है। तो हम इसको महाजनपद के साथ ही मिलकर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें वैदिक काल यानी वैदिक काल जो है, वेद का अर्थ आता है सबसे पहले। वेद क्या है, जिसे हम वेदास कहते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान यानी नॉलेज। तो नॉलेज जो है ज्ञान, यानी जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद, वो ज्ञान का स्रोत है। 4 वेद मिलते हैं हमें, चारों जो हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत मानी जाती है, और दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद माना जाता है, यानी ओल्डेस्ट जो बुक है वो ऋग्वेद हो गई, और ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो है वो आ गई हमारी संस्कृत। तो ये दोनों जो हैं इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बनते हैं इंडियन हिस्ट्री के। तो ये ग्रंथ जो हैं उस समय के आर्यों द्वारा रचित हैं, यानी इसमें हमें आर्य संस्कृति का पता चलता है, यानी आर्यन कल्चर। आर्य जो हैं एक नवीन संस्कृति थी, यानी देखने वाली बात है कि एक नया कल्चर है, न्यू कल्चर मानेंगे इसे हम, जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है।
तो ये संस्कृति 1500 BC के आसपास हमें इतिहास में दिखाई देती है। इस संस्कृति की जानकारी हमें बुक से मिलती है, यानी हमें इसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। तो वेदों में जो जानकारी मिलती है उससे हमें इतिहास लिखने में सहायता प्राप्त होती है, यानी संस्कृत में जो वेद लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं, उनसे ही हमें आर्यों की संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास मिला। आर्यों ने किस प्रकार से जीवन जिया और किस प्रकार से वो कार्य करते थे, क्या उनका सामाजिक जीवन था, क्या उनका आर्थिक राजनीतिक जीवन था, तो उसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेदों के अलावा हम इसमें और ग्रंथों के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी वेद एक हो गए, फिर आता है उपवेद, यानी वेदों के जो दूसरे भाग में लिखे गए उपवेद, फिर आता है उपनिषद, उपनिषद भी इसमें आते हैं, उपनिषदों से जानकारी मिलती है, वो भी हमें वैदिक काल का एक पर्याय मानी जाती है। फिर आता है अरण्यक, अरण्यक आ गए, ये भी संस्कृत के ग्रंथ हैं। अरण्यक के बाद जो है, बाद के जो ग्रंथ मिलते हैं जैसे पुराण या स्मृतियाँ, स्मृति के बाद आएंगे पुराण और फिर पुराण, ये सभी ग्रंथ जो हैं हमें जो मिलते हैं, इनसे हम वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान को अपना इतिहास के रूप में मोड़ते हैं। यानी उपवेद आ गए, वेद, उपवेद, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति और पुराण, ये सभी ग्रंथ जो हैं इनसे जानकारी मिलती है हमें, कथा कहानियां मिलती हैं राजाओं के बारे में, राजनीतिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो ये सभी जानकारियों से हम वैदिक संस्कृति के इतिहास का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम वैदिक सोर्सेज देख लेते हैं, यानी हमें सबसे पहले स्रोत देखने हैं कि कौन कौन से स्रोत हमें इस काल के मिलते हैं। सबसे पहले वेद देखते हैं, वेद में हम देखेंगे ऋग्वेद, यानी क्वेश्चन जो हैं हमें ऋग्वेद से मिलते हैं, ऋग्वेद के क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऋग्वेद जो है एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे पुराना है, यानी सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर आता है, सबसे पुराना ग्रंथ आता है। ये ग्रंथ जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी आर्यों द्वारा जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया था ऋग्वेद, वो संस्कृत लैंग्वेज में था, उसका जो भाषा का जो आधार था वो संस्कृत थी, यानी ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो है संस्कृत आएगी इसमें। यानी ऋग्वेद में हमें 1028 सूक्त मिलते हैं, सूक्त आते हैं, यानी मंत्रों को हम सूक्त कह देंगे, 1028 सूक्त मिलते हैं ऋग्वेद में, और इसमें हमें 10 मंडल मिलते हैं, यानी ऐसा ग्रंथ है जिसके 10 मंडल यानी 10 चैप्टर मान लेते हैं, हम चैप्टर मान लेंगे तो 10 चैप्टर मिलते हैं ऋग्वेद के। तो ये ऐसा ग्रंथ है जो 10 चैप्टर में डिवाइड था, जिसको उस समय मंडल कहते थे। तो अब जो है ऋग्वेद जो है ये 3 भागों में डिवाइड मिलता है, 3 पार्ट मिलते हैं, जिसके सबसे पहला आएगा साकल, पहला इसका जो पार्ट बनता है वो साकल है, दूसरा आएगा इसका पार्ट जो मिलता है बालखिल्य, बालखिल्य ये उसका दूसरा पार्ट है जिसे हम बालखिल्य कहते हैं, और तीसरा पार्ट जो है, 3 पार्ट मान लेंगे इसके हम, तो इसको वास्कल कहते हैं, वास्कल यानी जो सूक्त थे, मंत्र थे, वो इन्हीं के तीनों के अंदर आते हैं, वास्कल आएगा। ये 3 पार्ट जो हैं ऋग्वेद के हमें प्राप्त होते हैं, जबकि इसमें 10 मंडल थे, 10 मंडल आते हैं, ये मंडल जो हैं इसके चैप्टर थे, यानी इसके भाग या पार्ट मान लेते हैं जो 10 भागों में डिवाइड थे, जबकि इनके 3 पार्ट मिलते हैं जो साकल, वालखिल्य और वास्कल हैं, यानी मंडल 10 हैं और 3 उसके पार्ट हम अलग तरीके से देख लेते हैं। इसमें 10 मंडल जो हैं जो मिलते हैं, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट मिलता है वो 10वां मंडल है, यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा, जिसमें हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं, वो 10वां मंडल है। 10वां मंडल जो है ये बाद में लिखा गया था सर, यानी ये लेटर ऑन था इस भाग में,
यानी ऋग्वेद का सबसे बाद का मंडल था। तो इस मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ण सिस्टम कह लेते हैं, वर्ण सिस्टम की जो जानकारी मिलती है वो हमें 10th chapter से मिलती है, 10th मंडल से मिलती है। इसमें हमें पहली बार ब्राह्मण क्षत्रिय जो चार वर्ण थे, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण जो हैं इसमें प्रॉपर रूप से लिखे गए हैं। पहली बार इसमें शूद्रों का वर्णन मिलता है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो पहले भी मिले हैं, जबकि इसमें चारों वर्ण एक साथ मिलते हैं। तो 10वां मंडल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमें वर्ण व्यवस्था का ओरिजिन मिलता है। यानी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि वर्ण व्यवस्था के जन्म की जानकारी हमें सबसे प्राचीन कहाँ से मिलती है, तो आपको कहना है कि ये 10th मंडल जो है, 10th मंडल से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक तीसरा मंडल है, 3rd मंडल है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है तीसरा मंडल। इस मंडल में यानी तीसरे मंडल में हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी है हमारे गायत्री मंत्र की। हिंदू समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गायत्री मंत्र का। तो गायत्री मंत्र जो है तीसरे भाग में या तीसरे मंडल में हमें मिलते हैं, तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है गायत्री मंत्र के उद्देश्य से देखा जाए अगर तो। इसमें जो मंत्र हैं ये तीसरे मंडल में लिखे गए हैं, जबकि 10वें मंडल में हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था लिखी गई थी। जो तीसरा मंडल है यानी 3rd मंडल जो था, इस मंडल की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। ऋषि माने गए हैं विश्वामित्र, तो विश्वामित्र ऋषि ने 3rd मंडल यानी गायत्री मंत्र के रचनाकार थे विश्वामित्र। जबकि जो 1st मंडल था उसके या 10वें मंडल के 10th जो मंडल था उसके अलग अलग रचनाकार हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक जो रचनाकार हैं वो सबके अलग अलग मिलते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो विश्वामित्र थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो ऋग्वेद में हमें 1028 सूक्त मिलते हैं। तो सूक्त जो हैं मंत्रों को कहेंगे। इनमें ऋग्वेद में सबसे ज्यादा हमें इंद्र का वर्णन मिलता है, यानी देवता मिलते हैं उनमें, देवता जो आता है वो सबसे महत्वपूर्ण था इंद्र। तो इंद्र जो है वैदिक काल का सबसे इंपॉर्टेंट देवता आता है, जिसका ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन हमें प्राप्त होता है। इंद्र को ऋग्वेद में 250 बार लिखा गया है, यानी ऋग्वेद में इसकी जानकारी जो हमें 250 बार मिलती है। इंद्र का एक नाम मिलता है पुरंदर, इसको पुरंदर कहते थे, जो किलों को तोड़ने वाला, यानी फोर्ट जो होते थे उस समय के किले होते थे उनको डिस्ट्रॉय करता था, तोड़ता था। और वर्षा का देवता, जैसे हम कह देते हैं वाटर या रेनफॉल, वर्षा और जल का देवता जो है इंद्र को माना गया है, जो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता था। तो ऋग्वेद में जो हमें सूक्त या मंत्र मिलते हैं उनके रचनाकार जो हैं उनको होत्र कहा जाता था। जो होत्र होते थे वो ऋषि होते थे, उस समय के वैदिक काल के ऋषि थे जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, यानी ऋषियों को उस समय ऋग्वेद काल में होत्र कहा जाता था, ये मंत्रों का उच्चारण करते थे। जबकि जो सामवेद काल में ऋषि थे उनको उद्गाता कहा जाता था, ऋषियों का प्रकार है ये भी उद्गाता। और यजुर्वेद में जो ऋषि होते थे उनको कहा जाता था अर्धव्यू, ये ऋषियों का प्रकार था जो यजुर्वेद में लिखे गए हैं। और अथर्ववेद के जो ऋषि थे या मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि थे उनको ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है, या उनको ब्रह्मा कहा गया है। तो ये ऋषि थे जो चारों वेदों में अलग अलग थे, जो मंत्रों का उच्चारण करते थे। जैसे ऋग्वेद में होत्र था,
सामवेद में उद्गाता का कार्य होता था, ये यजुर्वेद में उद्धर्वयु और अथर्ववेद में ब्रह्मा का कार्य था, जो मंत्रों का उच्चारण करने के लिए आमतौर पर प्रयोग होते थे। ऋग्वेद में हमें ऐसे मंत्र मिले हैं, ऐसे मंत्रों की जानकारी मिलती है जो आर्यों ने अपने देवी देवताओं को संबोधित करके लिखे थे। यजुर्वेद में जो मंत्र मिलते हैं वो मंत्र जो हैं उनके यज्ञों से संबंधित हैं, यानी आर्य जो हैं यज्ञ करने लगे थे, यज्ञों से संबंधित मिलते हैं। और सामवेद में जो मिलते हैं वो गीत रूप में मिलते हैं, यानी म्यूजिक की श्रेणी में मिलते हैं, गीत की श्रेणी में मिलते हैं, या हमें संगीत की श्रेणी में मिलते हैं। जबकि अथर्ववेद में जो मंत्र मिलते हैं, अथर्ववेद में जो मंत्र मिलते हैं वो जादू टोने से संबंधित मानते हैं, या उसे कह देते हैं ब्लैक मैजिक से संबंधित जो मंत्र मिलते हैं। यानी चारों वेदों में अलग अलग प्रकार के मंत्र थे जो आर्यों ने उस समय रचित किए थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिससे यज्ञों की जानकारी मिलती है, तो आपको यजुर्वेद का नाम लेना है, यजुर्वेद से हमें यज्ञों की जानकारी मिलती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि म्यूजिक की जानकारी या संगीत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट लिटरेचर कौन सा है, तो म्यूजिक के लिए सबसे प्राचीन जो वेद है वो सामवेद है। सामवेद जो है गीत संगीत के लिए लिखा गया वेद था। अगर आता है कि जादू टोना या फिर एग्रीकल्चर या फिर कह लेते हैं मेडिसिन, यानी दवाइयों से संबंधित जिस वेद से जानकारी मिलती है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद से हमें ब्लैक मैजिक, जादू टोने और एग्रीकल्चर कृषि की, और हमें मेडिसिन या मेडिकल लाइन की जानकारी जो है वैदिक काल में हमें इनसे प्राप्त होती है। तो देखा जाए तो चारों वेद जो हैं अलग अलग श्रेणी में आते हैं, जिनसे हमें आर्यों के जीवन की जानकारी मिलती है। वेदों से हमें आर्यों के जीवन की, यानी उनकी लाइफ लाइन का पता चलता है, कैसा जीवन था उनका। आर्यों के जीवन की जानकारी मिलती है, उनकी भौगोलिक यानी उनके भूगोल का पता लगता है कि वो कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन में या कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में रहते थे। उनकी सोशल लाइफ, उनके सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। उनके पॉलिटिकल यानी उनके राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है, और उनके कल्चरल यानी उनकी सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें चारों वेदों से प्राप्त होती है। अब चारों वेद जो हैं ये 1500 से लेकर 600 BC के बीच में रचित हुए थे, यानी 1500 से 600 BC के बीच में इनकी रचना हुई थी। तो हमारा जो वैदिक काल है वो वैदिक काल भी इसी टाइम पीरियड में मिलता है। अब एक देखने वाली बात है कि वेदों की रचना जो है 1500 से 600 के बीच में मिलती है, जबकि इनको पुस्तक रूप में यानी इनको बुक राइटिंग में, इनको लिखने में बहुत समय लगा है। तो बुक राइटिंग यानी ग्रंथ के रूप में, लिटरेचर के रूप में अगर देखें हम, तो 600 BC के बाद इनकी रचना हुई है। तो यानी ये 1500 के 600 BC के टाइम की बात बताते हैं हमें, जबकि बुक के रूप में, एक पुस्तक के रूप में इनकी रचना 600 BC के बाद में हुई थी। तो 1500 के काल में यानी 1500 BC के समय ये जो हैं उस समय ये अगर देखा जाए वर्बल चलते थे, यानी ब्राह्मण जो हैं उस समय इनको मंत्रोच्चारण के रूप में लोगों को सिखाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में ओरली यानी इनको वर्बल ज्ञान के रूप में आगे से आगे ट्रांसफ़र हुए हैं। यानी पुस्तक रूप में इनका जो लिखित रूप मिला है वो 600 BC के बाद का है, जबकि 1500 BC में ये मंत्रों के रूप में चलते थे। इनको अपौरुषीय कहा जाता है, एक ये भी आता है अपौरुषीय, यानी ये ह्यूमन यानी मानव ने रचित नहीं किए, यानी लोगों ने या मानव ने रचित नहीं किए। इनको देवीय कहा जाता है, दैवीय या देवीय कहा जाता है कि देवी देवताओं के द्वारा या उनकी कृपा के द्वारा इनकी रचना हुई थी।
तो चार वेद जो हैं, फोर वेदास, हमारे वैदिक एज के बारे में हमारी या वैदिक काल की जानकारी हमें देते हैं। तो चारों वेदों की हमें जानकारी जो है इससे मिलती है, चारों वेद जो हैं हमारे आर्य काल की जानकारी हमें देते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है, ऋग्वेद में हमें जो मंत्र मिलते हैं या सूक्त मिलते हैं, उनको लिखने वाले कवि थे, ऋषि थे, संत थे उस समय के, तो उनमें से कुछ महिला संत भी थे या महिला ऋषि थी जिन्होंने इनकी रचना की है। तो महिला ऋषि का नाम कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में महिला ऋषियों के नाम क्या थे, तो इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूं मैं। जैसे पहला आएगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो है ये वैदिक काल की ऋषि थी जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है। दूसरी आती है सची। सची ऋषि आती हैं, ये भी मंत्रों की रचनाकार थी। घोषा, घोषा ने भी मंत्रों की रचना की है। फिर पौलमी आती है, यानी कई महिला संत थी जिन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया है। लोपामुद्रा, सची, घोषा और पौलमी, ये महिला ऋषि थी जिन्होंने उस समय मंत्रों की रचना ऋग्वेद में काल में या ऋग्वेद के मंत्रों की रचना इन्होंने की थी। उस समय महिला और पुरुष में ज़्यादा अंतर नहीं था, महिलाएं जो हैं पुरुषों के बराबर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करती थी, यज्ञों में भाग लेती थी और उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवन में वो मुख्य भागीदारी थी। वेदों में दूसरा जो वेद था उसको यजुर्वेद कहते हैं, यानी यजुर्वेद जो है सेकंड ओल्डेस्ट वेद आता है। तो ये जो है गद्य और पद्य, यानी पोएट्री और प्रोस में, पोएट्री और प्रोस में लिखा गया एकमात्र वेद है, ऐसा ग्रंथ जो कविता में और गद्यांश पद्यांश दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद जो गद्य और पद्य लैंग्वेज में या भाषा में लिखा गया था, ये एकमात्र वेद था उस समय जो दोनों पोएट्री में भी और प्रोस में रचित हुआ है। यजुर्वेद की दो ब्रांचेस मिलती हैं, जैसे कण्व ब्रांच, पहली ब्रांच आएगी कण्व और दूसरी इसकी ब्रांच आती है मध्यांदी, मध्यांदी। तो ये ब्रांच जो है, यानी जो सेकंड ब्रांच थी इसकी मध्यांदी, इसको दोबारा लिख देते हैं, ये ब्रांचेज जो हैं यजुर्वेद की मिलती हैं। तो दो भागों में यजुर्वेद डिवाइड था, कर्ण में और मध्यांदिन में। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि जो शुक्ल, शुक्ल और शुक्ल कह देते हैं और दूसरा आता है वाजनसेयी, ये भी यजुर्वेद के पार्ट मिलते हैं, यानी शुक्ल संहिता और वाजनसेयी संहिता, ये जो हैं इसके दो वर्जन, मान लो कि यजुर्वेद के दो वर्जन हैं शुक्ल और वाजनसेयी। तो जब टिपिकल लिटरेचर की बात करते हैं तो दो पार्ट में ये दिखाई देता है। तो यजुर्वेद का लास्ट पार्ट यानी अंतिम भाग जो है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, यजुर्वेद के अंतिम पार्ट में, अंतिम भाग में हमें प्राप्त होता है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद यानी ईश उपनिषद, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है लिटरेचर का, साहित्य का। ये जो है स्पिरिचुअल आधार पे अगर देखें, आध्यात्मिक आधार पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था ईश उपनिषद या ईशो उपनिषद। ये उपनिषद जो है आध्यात्मिक जीवन या स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में काफ़ी डिटेल में बताता है, ब्रह्मा की बात करता है। ये जो है यजुर्वेद के लास्ट अंतिम में, अंतिम भाग में लिखा गया था। फिर आता है यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में हमें धनुर्विद्या, धनुर्विद्या की जानकारी मिलती है। धनुर्विद्या यानी धनुष चलाने की कला के बारे में हमें पता चलता है। और इसमें यजुर्वेद में हमें हाथियों के पालने,
हाथियों को किस प्रकार से एलिफेंट को पाला जाता था, उनकी केयर की जाती थी, उसकी जानकारी भी हमें मिलती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि यजुर्वेद का सब वेद या उपवेद कौन सा है। तो सब वेद या उपवेद जो है यजुर्वेद का आता है, उसे कहते हैं धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है ये जो है इसका सब वेद है, यानी उपवेद है, एक सब डिवाइड किया हुआ है यजुर्वेद को। तो क्वेश्चन आया हुआ है धनुर्वेद जो है किसका सब वेद है, तो आपको कहना है ये यजुर्वेद का पार्ट है। तो यजुर्वेद में किसकी जानकारी मिलती है हमें, यज्ञों की, यानी आर्यों द्वारा यज्ञ किए जाते थे अग्नि को जलाकर, और काफ़ी लंबे समय काल तक ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किए जाने लगे बाद में। तो यज्ञों की जानकारी, लंबे यज्ञ जैसे यज्ञों की जानकारी में हमें अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी इसी से प्राप्त होती है। वाजपेयी यज्ञ की जानकारी, अश्वमेघ हो गया, वाजपेयी हो गया, तो ये बड़े बड़े यज्ञ राजा महाराजाओं द्वारा किए जाते थे, तो इन यज्ञों की जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। तो महत्वपूर्ण वेद है। फिर थर्ड वेद, तीसरा वेद आएगा हमारा सामवेद। सामवेद जो है ये संगीत के ऊपर लिखा गया है, म्यूजिकल में देखेंगे हम, म्यूजिक वेद मान लेते हैं इसे, संगीत वेद यानी म्यूजिक से संबंधित वेद है। इसको भारतीय म्यूजिक यानी इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन कहा जाता है, यानी इंडियन म्यूजिक का अगर ओरिजिन है तो वो ओरिजिन जो है, इसका जन्म जो है वो सामवेद से लिया जाता है। सामवेद जो है ये संगीत की भाषा में या संगीत के तरीके से लिखा गया था। इसकी तीन ब्रांचेस मिलती हैं, यानी इसकी तीन ब्रांचेस मिलती हैं, जैसे पहली आएगी कोथुम, कोथुम ब्रांच, दूसरी आएगी राणा निये, दूसरी ब्रांच है राणा निये, और तीसरी आएगी जैमिनिये। क्वेश्चन आया हुआ है कि जैमिनिये ब्रांच ये किससे संबंधित है, तो कोथुम जो है, फिर राणा निये, राणा निये आ गई, और तीसरी है जैमिनिये। ये तीन ब्रांचेस जो हैं हमें सामवेद की ब्रांचेस मिलती हैं। तो सामवेद जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, ये सिर्फ संगीत के लिए यानी म्यूजिक से संबंधित है, और आम तौर पे सामवेद के ज़्यादातर मंत्र जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं, यानी ऋग्वेद के मंत्रों को ही सामवेद में दोबारा लिखा गया, संगीत की भाषा में संगीत के तरीके से लिखा गया था। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एक वेद था। सामवेद का सब वेद जो है यानी उपवेद, इसका कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका उपवेद आता है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है ये इसका सब वेद यानी उपवेद आता है सामवेद का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारे लिए, गंधर्व वेद जो है सामवेद का उपवेद है। अब आता है फोर्थ वेद यानी चौथा वेद। तो फोर्थ वेद में हमें अथर्व वेद आता है। अथर्व वेद जो है वो हमारा चौथा वेद है, अंतिम यानी लास्ट वेद, अंतिम वेद था जो अंत में लिखा गया, सबसे बाद में लिखा गया था ये। तो अथर्व वेद जो है इसमें हमें दो ब्रांचेस मिलती हैं, इसकी दो ब्रांचेस देखेंगे हम। पहली है पिपलाद ब्रांच है, और दूसरी ब्रांच आएगी इसकी शौनक। पिपलाद ब्रांच और शौनक, ये दो ब्रांचेस में हमें अथर्ववेद मिलता है। इसमें टोटल 20 मंडल हैं, यानी इसके चैप्टर अगर देखेंगे तो 20 चैप्टर आएंगे इसमें। तो 20 चैप्टर में लिखा गया है ये। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा गया है। तो ब्रह्म वेद के रूप में इसे हम देखते हैं। अथर्व वेद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है जिसे हम गोपथ कहते हैं। गोपथ जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अथर्व वेद का, जो इससे संबंधित है गोपथ। तो अगर हम अथर्व वेद में देखें किस चीज की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो इसमें
ब्लैक मैजिक जो आम तौर पे क्वेश्चन आता है, काले जादू की, काले जादू या जादू टोने की जानकारी हमें जानकारी मिलती है, या तंत्र मंत्र ऐसे भी कह सकते हैं, तंत्र मंत्र की जानकारी वाला वेद। यानी इसमें ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र से संबंधित मंत्र मिलते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्यों द्वारा बाद के काल में खेती की गई तो एग्रीकल्चर की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। अथर्ववेद से कृषि की जानकारी मिलती है, वर्षा आदि की जानकारी मिलती है कि कृषि में कैसे कैसे कार्य होता था। फिर आता है अथर्ववेद का सब वेद। इसका सब वेद कौन सा है, उपवेद कौन सा है, सब पार्ट में आएगा। तो इसका सब या उपवेद आता है शिल्प वेद, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिल्प वेद यानी आर्किटेक्चर से संबंधित आता है, वास्तुकला से संबंधित उपवेद है। तो शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का सब पार्ट है, तो याद रखना है अथर्ववेद से जुड़ा हुआ वेद आएगा वो आएगा शिल्प वेद। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिस कर गए वो था आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ये हम मिस कर गए थे। तो जो यजुर्वेद था, यजुर्वेद से आता है धनुर्वेद, ये संबंधित है, इसका सब वेद है। सामवेद का आएगा गंधर्व वेद, गंधर्व वेद जो है सब वेद है सामवेद का। और अथर्ववेद का सब वेद आएगा हमारा शिल्प वेद। ये चार वेद हैं, फोर वेदास हैं, जबकि ये जो है चारों सब वेद या उपवेद कह सकते हैं, उनका सब पार्ट है। तो ये इनसे संबंधित है, ऋग्वेद के छोटे पार्ट हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। आयुर्वेद आएगा ऋग्वेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्व वेद सामवेद से, और शिल्प वेद अथर्ववेद से संबंधित हमें प्राप्त होता है। तो इस लेक्चर में हमने वैदिक संस्कृति के यानी वैदिक काल के हमें सोर्सेज देखे हैं, यानी अभी हमने स्रोत की चर्चा की है, काफ़ी लंबा लेक्चर था ये। सोर्सेज यानी हमें इसमें सिर्फ वेदों की जानकारी प्राप्त की है, वेदों से पता लगा है। तो चारों वेदों की जानकारी प्राप्त की जो हमारे आर्यों के जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन की हमें जानकारी देते हैं। और वैदिक काल, वैदिक काल के महत्वपूर्ण स्रोत हमें जो मिलते हैं वो वेद मिलते हैं। तो इस लेक्चर में हमने वेदों को कवर किया। नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उन लेक्चर में हम इनकी आर्यों की भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कल्चर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।